Well, you see, our country is coming up with lots of sports, but they all need boost. As you know, that cricket is a big game, it's a religion. So we want to bring other sports also. And when I realized this badminton sports, it had started in 2013, and now we want to revamp it and bring it. So I thought I would associate myself with sports and something like badminton, which is so fast, so agile, and so quick, and with great reflex action we require for it. So I decided to be associated with it. How much of a player are you of badminton? Well, to be honest, I used to play in school. After that, I have not been in touch with it. But I, it's never too late, and I could go back again to try my hand on it. जी फायदेमंद की बात ऐसा है कि मैं इसके साथ इसलिए जुड़ा हूँ क्योंकि ये स्पोर्ट्स है और एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो कि मैं चाहता हूँ कि यूथ की तरफ बढ़े हिंदुस्तान की तरफ बढ़े और लोग इसके बारे में और जानकारी ले पाए हम इसमें कोई मैंने ये कोई फ़ायदा नहीं है जो मैं इसे इसके साथ जुड़ा हूँ वैसे मुझे बहुत सारे और स्पोर्ट्स के लिए कहा गया था जुड़ने के लिए बट आई फाउंड दिस आई वॉन्ट दिस टू कम अप बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द स्पोर्ट्स विच हैज़ लॉट ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन रिक्वायर्ड और बहुत तेज़ गेम है इसकी स्पीड जैसे कल का मैच मैं जानता हूँ मैं इधर नहीं था कल एक प्लेयर ने ही डिड अ स्मैश ऑफ 399 किलोमीटर्स पर आवर एंड दैट इज रिकॉर्ड बाई इट सेल्फ सो यू कैन रिक्वायर द काइंड ऑफ agileness you require जैसे क्रिकेट के अंदर जब गेंद आती है 140 150 की स्पीड पे आती है ये 399 एंड यू हैव टू हिट इट बैक सो यू कैन इमेजिन हाउ मच क्विकनेस यू रिक्वायर विद इट वेल आई एम गोइंग टू गिव माई लेवल बेस्ट टू इट एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड टेल द ऑडियंस टू प्ले दिस गेम बिकॉज दिस गेम ऑल्सो इज ग्रेट फॉर योर कैलोरीज जो आजकल लोगों में है अपना कैलोरीज बर्न करना सो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द स्पोर्ट विच आपकी कैलोरीज इतनी तेज बर्न होती है एंड आई वुड एंडोर्स इट कम्प्लीटली जी अभी फिलहाल इतना ही सोचा है अगली मैं सोच आपको बाद में My darling, it is not about Rajnikant saab here, okay? We'll talk about it when we talk.